हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अबुल स्टडी। दोस्तों, हम रोज़ आपके लिए पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आपका पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या एक, विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला कौन सा पौधा है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए में है बांस, बी में है अमरूद, सी में है केला और ऑप्शन डी में है जामुन। बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बांस। और आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या दो, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए में है मुंबई, बी में है पटना, सी में है दिल्ली और ऑप्शन डी में है हैदराबाद। बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। और आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या तीन, पूरे विश्व में लगभग कितने प्रतिशत लोग बाएं हाथ से लिखते हैं। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए में है 10% लगभग, बी में है 5% लगभग, सी में है 15% लगभग और ऑप्शन डी में है 12% लगभग। दोस्तों बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 10% लगभग। और आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या चार, किस देश में लोग सांप खाते हैं। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए में है हिंदुस्तान में, बी में है वियतनाम में, सी में है अमेरिका में और ऑप्शन डी में है श्रीलंका में। बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी वियतनाम में। और आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या पाँच, भारत की प्रथम रेलगाड़ी से कितने किलोमीटर दूरी का यात्रा तय किया गया था। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए में है 50 किलोमीटर, बी में है 30 किलोमीटर, सी में है 35 किलोमीटर और ऑप्शन डी में है 34 किलोमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 34 किलोमीटर। और आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या छः, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूरज निकलता है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए में है अरुणाचल प्रदेश में, बी में है जम्मू कश्मीर में, सी में है बिहार में और ऑप्शन डी में है राजस्थान में। बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। और आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या सात, पूरे विश्व में किस नदी का पानी हमेशा गर्म रहता है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए में है गंगा नदी, बी में है सतलुज नदी, सी में है यमुना नदी और ऑप्शन डी में है नील नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नील नदी। और आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या आठ, सैमसंग किस देश की कंपनी है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए में है उत्तर कोरिया, बी में है जापान, सी में है सऊदी अरब और ऑप्शन डी में है साउथ कोरिया। बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी साउथ कोरिया। और आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नौ, भारत के किस राज्य में केवल दो ही जिले हैं। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए में है असम में, बी में है पंजाब में, सी में है गोवा में और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गोवा में। और आपका अगला और आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए में है लाल चंदन की लकड़ी, बी में है आम की लकड़ी, सी में है नीम की लकड़ी और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी लाल चंदन की लकड़ी। दोस्तों इसी प्रश्न के साथ होता है